आज मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट आई के बारे में। नाइट बल्ब में कौन कौन से होल्डर्स के साथ आता है, कौन सी बाइक में लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के आपको काफी नॉलेज मिलेगा एलईडी बल्ब्स के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं अपनी गाड़ी में भी लगाने के लिए तो थम्स अप आप लगा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Alright YouTube family, welcome to my channel. मेरा नाम है कार्तिक, आप मुझे कार्तिक कस्टम के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलईडी बल्ब्स के बारे में, जो सारी बाइकों में, स्कूटी में और कार्स में एज अ फॉग लैम्प, एज अ हेड लैम्प भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप किसी को हेलोजन बल्ब जो कंपनी स्टॉक प्रोवाइड करती है थोड़ी सी वार्म कलर की, तो वो थोड़ा लग्जरी नहीं लगता है। लग्जरी के लिए आप क्या HID लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे बेस्ट लगती है एलईडी बल्ब्स काफी सस्ते भी रहते हैं और उनकी लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं और इजी प्लग एंड प्ले, ना वायर कटिंग ना कुछ रहता है। जिसमें हमारे पास मिलेंगे 4-5 मॉडल आते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट आई के बारे में। सो नाइट आई में भी कई ऑप्शन मिलते हैं आपको, जिसका होल्डर का अलग अलग रहता है। H11 मेनली ये KTM में यूज होता है, H4 रॉयल इनफील्ड की बाइक में होता है, जो मैं अब ये लगाने जा रहा हूँ अपनी कॉन्टिनेंटल GT में। और ये छोटे LEDs बल्ब भी आते हैं अलग, जो स्कूटी में लगाना चाहते हैं वो ये लगा सकते हैं। सो हाई क्वालिटी में जाएं तो ये आते हैं जो आप कार में एज अ हेडलैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है, और ये C6 करके है, 36 वोल्ट 3800 लुमिनस। ये जाएगा लगभग स्कूटियों में या कार की फॉग लैम्प्स पे, आप ये लगा सकते हैं। सो मैं अभी खोल के दिखाता हूँ आपको, ये H4 होल्डर का जो मैं अभी कॉन्टिनेंटल में लगाने जा रहा हूँ। सो अंडर द बॉक्स हमें जब मंगाते हैं तो मिलता है अंदर आपको ग्लव्स देखने को मिलेगा। अभी कोविड के दौरान कंपनीज ग्लव्स प्रोवाइड कर रही हैं, इसके अंदर आपको ग्लव्स मिलेगा। और ये दो बल्ब का सेट आता है नाइट आई का, जिसमें एक ये, अगर आपको ये परचेस करना है तो अगर आप जबलपुर में हैं तो आप बाइकर स्टोर आ सकते हैं। बाइकर स्टोर का इंस्टाग्राम लिंक पेज मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप एड्रेस पूछना चाहते हैं तो एड्रेस भी मैं बायो में डाल दूंगा, आप यहाँ के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आपको बाइक की सारी एसेसरीज सब मिल जाएंगी। सो अब देखते हैं। सो फर्स्ट ये निकाला नाइट आई, ये नाइट आई बल्ब है H4 सॉकेट का, ईजिली प्लग एंड प्ले है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको इंस्टॉल करके भी खुद दिखाता हूँ। जैसे देखा जाए इसमें 3 ईयर की वारंटी आपको मिल रही है, 9000 ल्यूमिनस मतलब 9000 काफ़ी होता है और कम, बहुत ही कम रेट में है। प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप बाइकर स्टोर आके इनसे पूछ सकते हैं, आपको कम से कम रेट में आपको ये मिल जाएगा। सो इसमें 6500 के कलर टेम्परेचर है, जो हमें लग्जरी लाइट देखना रहता है सुपर बाइक्स में हम देखते हैं, तो वो कलर इससे निकलता है। सो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें नीचे फ़ैन भी लगा रहता है पीछे, क्योंकि LED भी गर्म होती है, उसके लिए कूलिंग के लिए फ़ैन लगा हुआ है। नाइट आई की ब्रांडिंग है और आप क्वालिटी तो देख सकते हैं, एकदम अमेजिंग। यह H4 का सॉकेट, ये डायरेक्ट रॉयल इनफील्ड का हेडलैम्प निकालेंगे, उसके सॉकेट में बस ये प्लग कर देना है और इसको लगा देना है, और कुछ तार नहीं काटनी है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं अपनी GT में। हाँ, तो अब हम लोग ये GT में लगा रहे हैं नाइट आई बल्ब। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना रहता है, ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है इसको आप खोलेंगे तो पूरा हेडलाइट बाहर आ जाएगी। फिर उस पर ये अपना H4 का सॉकेट जो है, इसका बल्ब निकाल के, जो स्टॉक है उसका निकाल के, इसकी जगह ये प्लग कर देना है और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। अभी आ गया है बाहर हेडलैम्प, अब स्टॉक लाइट का हम निकालेंगे होल्डर और लगाएंगे नाइट आई का बल्ब, तो देखते हैं। सो अब ये बल्ब आ गया है बाहर, अब इसको हम रखते हैं साइड और लगाते हैं नाइट विजन। इसका ये H4 होल्डर है, सीधे डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, आपको कुछ तार आर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप बाइकर स्टोर आके लगवा भी सकते हैं, खुद भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लग गया है, चलिए चेक करते हैं चालू है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा। और इसके पीछे, हाँ ये अभी इसका डिपर है, ये अपर है,
पर अपन, और आपको दिख रहा होगा इसके पीछे यहाँ फैन है, क्योंकि थोड़ी एलईडी गर्म होती है तो उसके लिए फैन लगा हुआ है, चलता है। सो अब इसको सेटअप करके आपको दिखाता हूँ फुटेज की लाइट कैसी आ रही है रात में। तो नाइट आई इंस्टॉल हो गई है मेरी जीटी में। अब हम चेक करते हैं इसकी लाइट परफॉर्मेंस की कैसी निकल रही है बीम। सो अभी हम चलाते हैं, करते हैं गाड़ी स्टार्ट। जैसे देख रहे हैं काफ़ी तेज बीम है इसकी, मतलब जो हमें रिच फील चाहिए रहता है लाइट से, इससे काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो अभी ये डिपर चल रही है, फिर हम इसको अपर करते हैं। ये अपर हो गई, ये डिपर, ये अपर, ये डिपर। अपर करने में ये है कि सारी लाइट चालू हो जाती है, तो अपर लाइट करके भी चलाने में काफ़ी मज़ा है। ये हो गया बीम की लाइट। अब हम इसको फुल डार्क में बाहर रोड में चेक करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। सो अब हम आ गए हैं बाहर रोड पे, अब देखते हैं कि लाइट का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो लाइट है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आप देख ही रहे हैं परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। अभी ये डिम पे चल रही है, लोअर बीम पे चल रही है, ये मारी मैंने हाई बीम। ऊपर आप पेड़ के पास देख सकते हैं, पेड़ में अभी लाइट बंद, ये हाई बीम है इसकी। बहुत ही ऑसम परफॉर्मेंस है इसका। अब आपको थोड़ा 360 व्यू दिखा देता हूँ। बेसिकली लोग प्रोजेक्टर हेडलैम्प ज़्यादा लगाते हैं, पर मुझे प्रोजेक्टर हेडलैम्प उतना पसंद नहीं है। जो इसकी एलईडी सस्ती भी पड़ती है, और इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं कैसी लग रही है, फुल ऑसम। बिल्कुल सिटी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इवन हाईवे में भी कोई दिक्कत नहीं, बीम काफ़ी है। और फिर से मैं आपको एक बार और चेक कर सकता हूँ, अभी बिल्कुल देख लीजिए कैसा है व्यू। मैंने की चाबी बंद, टोटल अंधेरा, चाबी स्टार्ट, और अपर में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। सो आपको अगर ये लाइट अच्छी लगी तो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, आप ज़रूर से चेक करें और फिर बताएं। और भी अगर आपको कुछ बताना है कि मैं जीटी में क्या मॉडिफाई करूं, जैसे कि अब मैं सोच रहा हूं इसमें फ्लैशर डलवाऊं, फ्लैशर किट जो होती है हज़ार लाइट वाली, तो आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं क्या कर सकता हूं अपनी जीटी में। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, होप यू इन्जॉय इट, लव इट। अगर आपको ये यूज़फुल लगा कंटेंट तो आप लाइक कर सकते हैं। जिनको ये नाइट आई आप सजेस्ट करना चाहते हो उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल में अगर आप नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, आपको काफ़ी बाइक से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मिलेगा इसमें। सो दिस इज़ मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।